हेलो जी, सत श्री अकाल, तेरा स्वागत है। की हाल तुहाडे सारयां दा? वेलकम बैक कहने हां, खुश आमदीद कहने हां। प्री बानी रिएक्ट्स ते आया मजा। कल मजा आया सी कि नहीं आया सी? मजा तो बहुत आया, क्योंकि जेड़े कहंदे ने कि जेड़े कहंदे ने कि तुसी सिर्फ बैठ के हस सकदे हो, असीं उहनां नूं कह दिए कि असीं ए वी कर सकदे हां, असीं सब कुछ कर सकदे हां, बहुत कुछ कर सकते हैं। ते गाइस, तुहाडे इन्ने सोहणे सोहणे कमेंट्स पढ़ के दिल खुश हो गया, क्योंकि सारयां ने कहा कि इंट्रो सब तो बेस्ट सी, मजा आ गया। ते बहुत दिल नूं खुशी पहुंची साडा कीता होया काम सानूं हो गया, वर्थ हो गया साडे लई, कि जिन्ना मेहनत कीती सी कि तुसी उहदा मुल्ल पाता। ते तुसी बहुत अप्रीशिएट कीता साडे काम नूं, बहुत सराहया, ते बहुत खुशी इस गल दी। ते जे तुसी हुण चैनल ते आ गए तो जाके चैनल नूं कर दो सबसक्राइब, ठीक है? असीं लड़दे नहीं हुण, असीं प्यार नाल कहिंदे जाके चैनल नूं कर दो सबसक्राइब। बाकी गाइस, ताडे एदा ही प्यार और मान दे नाल असीं लैके आए। जे एदा दी कोई होर वीडियो देखनी है तो वो भी दस दो। जे कोई होर एदा दी वीडियो देखनी है, परदेसी जिंदाबाद, परदेसी है, ओवरसीज परदेसियां वास्ते गाना है, ओवरसीज पाकिस्तानियां वास्ते गाना है, ते असीं भी अपने आप नूं तुहाडा ही पार्ट समझदे हां, ते गाना स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन करना दूजे पासे मिलते हैं। ते करीशु, बहुत मजा आएगा। ते ब्रारूक साहब ने, पंजाब दी शान ने, शुरू कर दे। Attribute to overseas Pakistanis on 75th anniversary by UBL. UBL की है? वाह, आगे सी केड़ी जगह सी? हो दुबई लग रहा है। दूर रह के भी पास, वतन से दूर मुझ जैसे सभी परदेसियों के लिए कतर दो है जो कोई एक। क्या बात, दूर रह के भी तेरी है खुशबूएं फिजाओं में, पेड़ जले धूप में, लोग बैठे छाँव में। तू हीरो है वतन का, सभी ये जानते हैं, तेरी कुर्बानियों को सभी तो मानते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद सब परदेसी, जिंदाबाद 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 सब परदेसी, जिंदाबाद। तेरे माथे से टपका जो पसीना, किसी के हाथ पीले कर गया है, तेरी मेहनत मुशक्कत के समर ने किसी अपने को अपना घर दिया है, किसी अपने को अपना अपना घर दिया है। तू है वो उजाला सब दूर जो अंधेरा करे, रात को हरा के सारे जग में सवेरा करे, किसी को सहारा दिया, किसी को किनारा दिया, प्यासे को तालीम तूने दिलाई है, रात रात भर जाग के जुगनू भेज रहा है, ताके तेरा रोशन हो जाए घर जान पाकिस्तान। समंदरा तो पार जेड़े रेंदे साडे यार, देश
ਨੂੰ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਆਫਤ ਸਲਾਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਮਾਰ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਈਡ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਰੋਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲੇ जो है दूर रह के भी पास UBL को है उनका एहसास UBL रोशन डिजिटल अकाउंट के साथ रोशन है पाकिस्तान UBL यूनाइटेड बैंक लिमिटेड 75th एनिवर्सरी ओह गाइस वीडियो की गल करिए बहुत ही टचिंग बहुत ही इमोशनल बहुत ही प्यारी वीडियो बहुत साफ सीधे ते सरल जे शब्दों विच उन्होंने जो गल्लां कही जिन्हें उन्होंने अपने लिरिक्स सीगे उन्होंने जिन्हें उन्होंने पैराग्राफ सीगे इन्ने की उन्होंने प्यार सीधी उन्होंने गल्लां उन्होंने निकलियां ते वो सीधा इत्थे तक पहुंचियां मतलब कहिंदे ने कि कोई उन्होंने पंजाबी इन्नी हार्ड नहीं कोई टफ नहीं उर्दू कोई उन्होंने कोई इन्ना कोई हार्ड नहीं इन्ने प्यारे शब्दों में बड़े आम शब्दों में उन्होंने सीधी दिल तो दिल तक की गल की है असं इतने बैठ के इस चीज़ रिलेट कर सकते हैं क्योंकि घर तो दूर बैठे हैं उन्होंने जिहड़ी जिहड़ी गल कही है वो एक एक गल सच है एक एक गल नूं असीं इत्थे बैठ के रिलेट कर सकते हैं बहुत हार्ड हुंदा है इत्थे बैठ के घरदियों तो दूर रहना उस तो बाद मेहनत करके उन्होंने चलो ठीक है कई सपोर्ट करते हैं कई ऑलरेडी सपोर्टेड होंदे आ बट जदों इत्थे बैठ के असीं सुख दुख दे विच नाल नहीं खड़ पाते वो सानूं सब तो बुरा लगता है वो सब तो हार्ड मूमेंट होंदी है वो उन्होंने उहदे विच भी कवर किया कि तुसी मेहनत तुहाडी किसी दे हाथ पीले करती है ते तुहाडा मेहनत किसी दी उत्थे घर लैके दे दिंदा किसी नूं बट स्टिल तुसी उत्थे नहीं पहुँच पाते बहुत वड्डी गल बहुत छोटे शब्दों दे विच बड़े आम दे शब्दों विच उन्होंने बचाती यही अबरार उल हक साहब की खासियत है उन्होंने कोई भी गाना चुक के देख लो कोई भी इन्ना टिपिकल पंजाबी टिपिकल उर्दू गाना नहीं होंदा बहुत ही सरल शब्द होंदे ने ते भावें पंजाब की गल करन भावें ओवरसीज जिहड़े रहिंदे उन्होंने गल करन ओह इन्ने कु टिका के गल करते हैं ना कि जिदा आम गल करते हैं ना मैं तुहानू गल कर रहा तुहाडे तक पहुँच रही है इदां गल करते हर एक बंदे तक गल पहुँचती है इन्ने सोहणे तरीके नाल करते हैं बहुत ही प्यारा इमोशनल बहुत ही क्लोज टू हार्ट मतलब इदां दी गल्लां सीगियां जिहड़ियां हर एक बंदा रिलेट करेगा बहुत ही अच्छा गाना सीगा थोड़ा स्लो सीगा एक्सपैक्ट किया सीगा कि असीं थोड़ा जिहा बरारुख साहब थोड़े थोड़े नचन नुच टप्पण वाले गाने गाते थोड़े पॉप गाने गाते हैं कुछ जाने जाते हैं साढ़े पॉप के मास्टर ने साडे अबरारुख साहब बट जदों इदा के गाने उर्दू पंजाबी दे विच मिक्स करके थोड़ा इमोशन लैके आते हैं वो दूजी साइड दिखाते हैं अपनी यही साडी फनकारी है हमारी तो बहुत मजा आ गया दिल के बहुत करीब तो कन्ना तो भी मजा तो दिल तो भी मजा कुछ मतलब बहुत मुश्किल है इस वीडियो ते कोई भी इदा दा कोई कमेंट करना या मतलब बहुत रिलेटेबल फीलिंग है हर कोई इस चीज़ नू फील कर सकता है सिर्फ ओही नहीं जड़े परदेस रहंदे ने या अपने घर नू छड़ के परदेस आंदे ने बट ओ लोग भी क्योंकि जे तुसी पहला सीन ही देखो कि मुंडा जा रहा है बाहर मां प्यो दा हाथ फड़िया होया कसम लगे मैं ए गल करनी सी कि मैं भूल गया पहले ही ना ए वाला जेड़ा सीन सीगा आई थिंक जदो लास्ट टू लास्ट टाइम जदो आपां आए सीगे इत्थों इंडिया तों ए सेम सीन ए होया सीगा असीं गड्डी दे विच बैठे सीगे लिटरली ओ सीन मेरी अखां दे सामने चल गया सीगा उत्थों ही वीडियो इमोशनल होनी शुरू हो गई सीगी उस सीन नूं असीं देख के रिलेट कर लिया सीगा हां असीं देखदे जा रहे सीगे इदां दा करके बहुत ही इमोशनल फीलिंग होंदी है जदो कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स नू अपनी फैमिली नू अपने भैन भरावां नू छड्ड के बाहरले मुल्क जांदा है क्योंकि उन्हां नू बाहर जाके थोड़ी जी मेहनत करनी होंदी है अपने घर परिवार नू वसाना होंदा है कई जांदे ने हुण जिवें कई बच्चे जांदे जिन्हां ने अपनी भैणां दा विआह कराना होंदा है ते कहिंदे कि हाँ भी कोई वधिया तरीके नाल विआह हो जावे है ना उस हिसाब नाल जांदे कोई पढ़न जांदे ने कि हाँ पढ़ लिख के हर एक बंदा एक अपना एक सोच लेके जांदा हर एक बंदा कोई ना कोई एक अपना मकसद लेके जांदा जरूर बाहर जांदा बिना मकसद दे कोई बाहर नहीं जांदा मां प्यो नूं फैमिली नूं कोई नहीं छड्दा बिना मकसद दे कोई वड्डी वजावां हुंदियां ने पिछे तां लोकी बाहर जांदे आ ते इही चीज उन्होंने दसी है कि दिल बहुत वड्डे हुंदे आ बाहर रहण वालियां दे छोटे हर गल हर छोटी बड़ी वड्डी तो वड्डी गल नूं भी हस के टाल देना जिहड़ा बंदा जिहड़ा मुंडा जड़ी कुड़ी बाहर रहिंदे ने ओ अपने मतलब इमोशंस नू अपने अखा चो हंजू नू कंट्रोल करके दुख विच भी हस के अपने परिवार नू फेस करन
ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਸਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਬਟ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸੰਵਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਉਸੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਾਈਕ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹਾਰਟ ਟੱਚਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀ। ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਰਿਲੇਟ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗੇ ਨਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਟੱਚ ਕਰੇਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਾਈਸ ਕਿ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਕੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਨ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇਸ਼ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਗਾਇਸ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇਸ਼ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ, ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜੀ, ਅਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।